ओके दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी देख सकते हैं, यह एक ब्रशलेस मोटर है, यानी कि BLDC मोटर है, इसे BLDC बोलते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 यानी 1000 KV। इसका मतलब ये होता है, इसको KV को जब हम इसकी वोल्टेज यानी बैटरी यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर 12 वोल्ट की, और जिससे 11.1 वोल्ट मिलते हैं, यानी कि उसको हम रफली राउंड ऑफ करके 10 कर लें, तो यानी कि जो इसका RPM है वो इसका 10,000 चला जाता है। आप देख सकते हैं 1000 है तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10,000 इसके RPM बन जाते हैं इस मोटर के। यह मतलब होता है इसकी, ये जो KV रेटिंग का होता है इस तरीके, ठीक है। ब्रशलेस मोटर है, आगे प्रोपेलर है, थ्रस्ट बहुत ज्यादा है, हवा इसकी बहुत ज्यादा है, ड्रोन में इसका इस्तेमाल किया जाता है इस मोटर का। इस मोटर को डायरेक्ट बैटरी से नहीं चला सकते, इस मोटर के ये जो मोटर है ये 3-phase AC पर वर्क करती है, यानी 3-phase, ये देख सकते हैं 3-phase AC चल बन रही है। और ये किससे बन रही है, यहाँ पर एक ESC यूज होती है, इसमें जो है बैटरी की पावर को जाकर के ये 3-phase AC जनरेट करता है जिससे मोटर चलती है। और इस ESC को कंट्रोल करने के लिए एक यहाँ पर स्पीड कंट्रोल लगा होता है, जिससे कि इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, ये रहा वो इसके थ्रू, ठीक है। ठीक है, इससे कंट्रोल किया जाता है, इसको बोलते हैं सर्वो टेस्टर। सर्वो टेस्टर की हेल्प से जो है इसमें जाने वाले वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है, देख सकते हैं आप। और साथ में मैंने जो बैटरी यूज करी है 3S की, वो यानी कि ये लैपटॉप की सेल जिसके नाम से हम जानते हैं 18650 सेल से, देखिए लिथियम आयन वाले, इस सेल का इस्तेमाल करा है। और 10 एम्पियर 12 एम्पियर तक भी यह मोटर ले जाती है करंट, क्योंकि यह जो है 3-phase पे काम करती है, इसलिए काफी ज्यादा एम्पियर लेती है, इसकी RPM भी बहुत ज्यादा है। अब मैं थोड़ा सा चला के बताता हूँ, देखिए आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं आवाज, इतनी ज्यादा RPM है कि बस मुझे ही ना। ठीक है, और RPM बहुत ज्यादा है तो इसको टाइट करने के भी अलग सेटअप होता है, देख सकते हैं कि इसका जो प्रोपेलर लूज ना हो, ब्लेड लूज ना हो। तो इस तरीके से मोटर है, और इस मोटर को हमेशा चलाने के लिए क्या क्या पार्ट्स यूज होते हैं, मोटर और एक ESC, एक सर्वो टेस्टर और बैटरी, ये सब चीज होता है, तब जाके मोटर चालू होती है। इसलिए मोटर की कॉस्ट अब 1500 के अंदर ये सब सामान मिलता है बैटरी हटा करके, ठीक है। इस तरीके से है, ये देखिए, और इससे आप टेबल फैन नहीं बना सकते, कारण क्या है कि इसकी ESC गर्म हो जाती है बहुत जल्दी, यानी 10-12 मिनट के अंदर, बस 10-12 मिनट चला पाएंगे, उसके बाद ESC इसकी काफी गर्म होने लगती है। तो इसका लगातार टेबल फैन के लिए इस्तेमाल नहीं किया सकते, लेकिन इसका कोई ड्रिल मशीन में या कोई वाटर पंप में थोड़ी बहुत देर के लिए इसका यूज किया सकता है, ये देखिए। और कनेक्शन मैं आपको बताऊं, कनेक्शन बहुत इजी है, ये जो 3 वायर आ रहे हैं ESC से, तो 3 वायर निकल रहे हैं मोटे मोटे ब्लू कलर के। तो इसमें क्या है, जो येलो वाला वायर है वो हमेशा बीच में कनेक्ट होता है, बीच वाला मोटर का येलो वायर, ये तीसरा वाला, ये येलो जो है, ये वायर हमेशा ESC के बीच में कनेक्ट होगा, और ब्लैक और रेड ये फर्स्ट और थर्ड, इसको हम अगर इंटरचेंज करेंगे तो एक तरफ क्लॉकवाइज, पलट के लगाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है। ये वायर हो गया। नीचे ESC के दो टाइप के वायर हैं, एक मोटे वाले रेड और ब्लैक, इसमें बैटरी कनेक्ट होती है, यानी कि रेड में पॉजिटिव ब्लैक में नेगेटिव बैटरी कनेक्ट कर देंगे आराम से। इसमें हम 2S और 3S दोनों बैटरी लगा सकते हैं, और 4S बैटरी भी, ESC उसका अलग आता है 4S का, वो भी हम लगा सकते हैं। 2S 3S वाला ये ESC है, इसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं। 2S 3S का मतलब दो ऐसे दो सेल का इस्तेमाल की बैटरी, और 3 सेल वाली, ठीक है। और एक जो ये 3 वायर आ रहे हैं पतले पतले, ये जाएगा हमारा सर्वो टेस्टर में, सर्वो टेस्टर के आउट वाले में, इधर से देखिए आउट दिखेगा आपको, ये आउट लिखा हुआ है इस पे, इस वाले में जुड़ेगा, इसमें इसमें नहीं जोड़ना है, इनपुट में, आउटपुट में, ठीक है। और ये सब है, और वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़ी सी इतनी रखते हैं।
आप कहेंगे डिटेल में बता दूं प्रॉपर कनेक्शन करके कैसे 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 कैसे, वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इस तरीके से ये है, इसकी जो एयर का फ्लो है वो बहुत बेहतर, बहुत अच्छा है, ठीक है। वीडियो इतनी रखते हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब किए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।